कंट्रोल आज एक दिन कर रहा ताकि दिख रहा हूँ पहले मिसाले सलाम को तुम्हें Thank you.
जैसा कि दस्तूर रहा है कि जो भी जो अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं मजहब वाले तो अपने मजहब की मुकदस किताब से शुरुआत करते हैं। इसी रवायत को बरकरार रखते हुए हम इस अपने विजडम क्रिएशन का आगाज कलम है। इसके बारे में शायर ने कहा है कि आगाज व महफिल का कुरान की तिलावत से इस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल के। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق तमाम मेहमानान का इस्तकबाल करते हैं कि आप अपने तमाम मसरूफियात के बावजूद हमारे दार पर लबैक का और तशरीफ लाए। इस शेर के साथ आपका इस्तकबाल करते हैं कि बुझते हुए चराग फरोजा करेंगे हम, बुझते हुए चराग फरोजा करेंगे हम, तुम आ गए हो जश्न चरागा करेंगे हम। हुआ घर में हमारे खुदा की कुदरत है, हुआ घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी उनको कभी अपने घर को देखते हैं। जिस बस में सागर हो, जिस बस में सागर हो न सहबा हो न कुम हो, जिस बस में सागर हो न सहबा हो न कुम हो, रिंदों को तसल्ली है कि इस बस में तुम हो। खुशामदीद वो आया हमारे चौकट पे, खुशामदीद वो आया हमारे चौकट पे, बहार जिसके कदम का तवाफ करती है। अब हम इसी के साथ आप सबका हम शुक्रिया तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, दीदा और दिल फरशरा करते हैं कि बाद सवाल तुमने जो सुना मेहमान जो आने वाले हैं, तुमने जो सुना मेहमान जो आने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में हम पलके बिछाने वाले हैं, जिनका इंतजार था वो हमारे पास हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। इधर के मेरे जनाब रहीम खान साहब, अब हम मेहमान का तारुफ पेश करने के लिए जिसमें जाना चाहते हैं सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद आसिफुद्दीन साहब का इस शेर के साथ गुजारिश करते हैं कि क्या जौक है क्या शौक है सौ मरतबा देखो, क्या जौक है क्या शौक है कि सौ मरतबा देखो, फिर भी ये कहूँ चल रहे जाना नहीं देखा, मक्शर में वो नादिम हो खुदा ये न दिखाए, मक्शर में वो नादिम हो खुदा ये न दिखाए, आपको ने कभी उसको पश्चिमान नहीं देखा, क्या पूछते हैं कौन ये है किसकी शौहरत है।
क्या पूछते हो कौन है, ये किसके शौहर है, क्या तुमने कभी आसिफ का दीवान नहीं देखा। यहाँ मैं इस मुख्तसर से इफ्तिताही तकरीब में जनाब आली जनाब मोहतरम अब्दुल रहीम खान साहब एमएलए बीदर और इनायत सिंधे साहब डीडीपीआई बीदर, बीओ साहब और बीदा कमेटी के सदर अहमद सेठ साहब, अब्दुल मद्दार साहब शाहीन इदारा जात के सदर, और यहाँ हमारे महल और शहर के उधर खस्तियाँ जनाब इकबालुद्दीन कुतुब साहब, जनाब कमालुद्दीन शमीम साहब, और हमारे खुशकिस्मती के एस आई ओ के नोडल प्रेसिडेंट जनाब जावेद अजीज रफी अहमद साहब, और मैनेजमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद सलामुद्दीन फरमान, और मैनेजिंग ट्रस्टी मोहतरमा मिश्रा जमाल साहिबा, तमाम स्टाफ और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का मैं सबका यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ। यहाँ मैं मुख्तसर आपके सामने मैं सबसे पहले ये पेश करते हुए एमएलए साहब का इस्तकबाल करता हूँ। पीआई साहब इनायत सिंह साहब जो तालीमी यहाँ के जिम्मेदार हैं, बीओ साहब का मैं इस्तकबाल करता हूँ, और जनाब अब्दुल मतान शेख साहब सदर शाही इदारा का कमेटी के सदर जनाब अहमद शेख साहब, जनाब रफी साहब, जमालुद्दीन शमीम साहब, जनाब कुतुब साहब, जनाब अब्दुल सलाम मुबशीर शेख साहब अलमीन सोसाइटी के जिम्मेदार आई, मोहम्मद सलामुद्दीन फरहान साहब सामने ये बताना चाहूंगा कि विजडम इदारे जात गुज़िश्ता 5 साल पहले एक एग्जीबिशन किया था, उसके बाद से ये 5 साल के गैप के बाद एक एग्जीबिशन होने जा रही है जिसको नाम दिया गया है विजडम क्रिएशंस, यानी विजडम के स्टाफ और बच्चों की तकलीफात और उनकी इख्तिराई सलाहियतें और उनके अंदर छुपे हुए राज वो यहाँ खोल कर रखे हैं। अल्लामा इब्ने तैमिया कहते हैं इल्म का मकसद ये है कि तलबा के इख्तिराई सलाहियतों को यानी क्रिएटिविटी को उजागर किया जाए। अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि जिंदगी में छुपे हुए राजों को फाश करना असल इल्म है। तो विजडम का ये पॉलिसी नहीं है कि रट्टा मारू कल्चर के जरिए बच्चों के सिर्फ नंबर बढ़ाने मार्क्सवादी बनाया जाए, बल्कि इसके साथ साथ उनकी छुपी हुई सलाहियतों को उजागर किया जाए। जिंदगी जो एक बहुत बड़ी किताब है उसमें वो अपने किस्मत को लिख सके। मैं यहाँ बड़ी खुशी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हम सोचे थे कि ये छोटे पैमाने पर होगी, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते बहुत बड़े पैमाने पर चले गई। 5 फ्लोर पर ये एग्जीबिशन मुश्तमिल है, ग्राउंड फ्लोर में फूड कोर्ट है और 4 फ्लोर में 2 दर्जन से ज्यादा गैलरीज हैं। यहाँ हाथ का कर्तव्य और चमत्कार बताने के लिए प्रोफेशनल मैजिशियंस को हैदराबाद से बुलाया गया है, और बच्चों ने क्रेजी रूम बनाया है जो भूत बंगले के तौर पर जाना पहचाना जाएगा। फिर इसके साथ साथ मुकाबले जाति स्पोर्ट्स हैं और दीगर बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें कई गैलरीज हैं। हम अपने मौसत मेहमान के जरिए और दीगर गैलरीज का भी इफ्तिताह करेंगे। मैं यहाँ फिर एक मरतबा हमारे हरदिल अजीज एमएलए जनाब रहीम खान साहब का मैं दिल की गहराइयों के साथ इस्तकबाल करता हूँ। वो हमारे हर प्रोग्राम में जब भी बुलाते हैं तो तशरीफ लाते हैं, अपनाइयत का इजहार होता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें फलता फूलता रखे, सेहतमंद रखे, और हर मरतबा उन्हें हमारी सरपरस्ती और रहनुमाई करने के लिए अल्लाह ताला और आगे बढ़ाए। हम सब नेक तमन्नाओं के साथ हम दुआगो हैं, और मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए एमएलए साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अल्लाह अकबर बोलो।
Good evening, good evening, good evening.